हेलो एवरीवन, आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एंड इट इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ इकोलॉजी, दैट इज़ द एनवायरमेंटल इश्यूज, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द एनवायरमेंट. हम ऐसे सराउंडिंग में रह रहे हैं जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड है, वो चाहे मिनरल्स हैं, वाटर है, सॉयल है, एयर है, फॉसिल फ्यूल्स हो, चाहे फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ये सब क्या है, ये लिमिटेड है. लेकिन जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है. अब बढ़ती हुई ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए फूड की, शेल्टर की, होम की, इलेक्ट्रिसिटी की, फॉसिल फ्यूल्स की, ऑटोमोबाइल्स की, सब तरह की जरूरत भी बढ़ती चली जा रही है. अभी बढ़ती हुई ज़रूरतें क्या कर रही हैं, नेचुरल रिसोर्स जो हमारी सराउंडिंग में है, जो लिमिटेड है, उनके ऊपर प्रेशर डाल रही है. मीन्स डे बाय डे वो डिक्लाइन होते जा रहे हैं टू कम्प्लीट द ह्यूमन नीड्स. और जैसे ही नेचुरल रिसोर्सेज डिक्लाइन हो रहे हैं, इट विल कोज द पोल्यूशन. हाउ? बिकॉज जो फॉसिल फ्यूल्स हैं या ऑटोमोबाइल्स जो चल रहे हैं, या हम घर बनाते हैं, रोड बनाते हैं, रेलवे ट्रैक बनाते हैं, सब जगह के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक लैंड की जरूरत पड़ती है. ठीक है, वो लैंड कट रहा है, वहाँ पर जो भी प्लांट्स हैं और प्लांट्स के ऊपर डिपेंड एनिमल्स हैं, वो सारे वहाँ से ख़त्म हो रहे हैं. तो नेचुरल रिसोर्स के ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है बढ़ती हुई ह्यूमन पॉपुलेशन की वजह से, ये नेचुरल रिसोर्सेज डिग्रेड होते जा रहे हैं, जिस वजह से जो बायोडाइवर्सिटी है उसके ऊपर भी बहुत इफेक्ट पड़ रहा है. साइड बाय साइड ह्यूमन की हेल्थ के ऊपर भी बहुत इफेक्ट पड़ रहा है. ह्यूमन खुद अपने पर्पज़ को पूरा करने के लिए अपने आप को भी ख़त्म किए जा रहा है. अल्टीमेटली मैन मे हिमसेल्फ बिकम अ विक्टिम ऑफ सेल्फ क्रिएटेड पॉल्यूशन. हमें ऐसे स्टेप उठाने पड़ेंगे जो नेचुरल रिसोर्सेज के डिग्रेडेशन और डिप्लीशन को रोक सके, लेकिन इस तरह से कि हमारी जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो भी ना रुके और साथ के साथ नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन थोड़ा कम हो जाए. ठीक है, तो हम इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे. सबसे पहला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा, क्योंकि हम इश्यूज पढ़ रहे हैं एनवायरमेंट से जुड़े हुए, तो सबसे बड़ा इशू अभी जो है वो है पॉल्यूशन, इट्स अफेक्ट्स, इसके कॉजेज एंड इट्स कंट्रोल. ठीक है, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. सेकेंड टॉपिक जो हम पढ़ेंगे इसमें, ग्लोबल लेवल पर जो चेंजेस हो रहे हैं, ग्लोबल चेंजेस ड्यू टू इंक्रीज ग्रीन हाउस गैसेस. ठीक है, और हम इसमें पढ़ेंगे डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. मेन एनवायरमेंटल इश्यूज की यहां पर बात हो रही है. एंड लास्ट डिफोरेस्टेशन. ठीक है, ओजोन लेयर डिप्लीशन एंड इट्स पॉसिबल इफेक्ट्स. क्लियर, तो हम ये सारे टॉपिक्स, ये सारे एनवायरमेंटल इश्यूज इस चैप्टर में क्लियर करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द पोल्यूशन. पोल्यूशन क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के ऊपर ध्यान देंगे. पोल्यूशन, इट इज द अनडिजायरेबल चेंज, अनडिजायरेबल चेंज इन बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल. ठीक है, कोई भी अनडिजायरेबल चेंज एयर, वाटर, सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल के अंदर आता है, उसको हम पॉल्यूशन बोलते हैं. किस वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, उसके लिए बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन सब्सटेंस को बोलते हैं पोल्यूटेंट्स. ठीक है, पॉल्यूशन कॉज करने वाले सब्सटेंस को बोलते हैं पोल्यूटेंट्स. तो द सब्सटेंस, सब्सटेंसेस और एजेंट्स भी बोल सकते हैं इनको, विच ब्रिंग आउट दीज अनडिजायरेबल चेंजेस. ठीक है, जो हमारे एयर, वाटर, सॉइल के अंदर की क्वालिटी को डिग्रेड कर देते हैं, उन सब्सटेंस को बोलते हैं पोल्यूटेंट्स. तो जो ये एजेंट है, ये किस तरह के एजेंट्स हो सकते हैं, अभी हम बात करेंगे पोल्यूटेंट्स के बारे में. पहले हम यहाँ पर कॉजेस पर ध्यान दे लेते हैं. तो हमारे पास दो रीजंस हैं, एक तो ह्यूमन एक्टिविटीज जो कि सबसे ज्यादा रोल प्ले कर रही है, सेकेंड नेचुरल फैक्टर्स. ठीक है, दो रीजन है, या तो नेचुरल या फिर ह्यूमन की. तो
ह्यूमन एक्टिविटीज या ह्यूमन रोल जो है इनको हम एंथ्रोपोजेनिक एक्शन भी बोलते हैं, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, जिस वजह से पोल्यूशन हो रहा है. इन एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस के अंदर आते हैं जैसे डिफोरेस्टेशन आ गया, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आ गया, इंडस्ट्रीज से जो स्मोक निकल रहा है, ऑटोमोबाइल्स जो व्हीकल्स हम चलाते हैं उनसे जो निकल रहा है, एटसेट्रा. इस तरह से बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जो ह्यूमन एक्टिविटीज में आते हैं और पोल्यूशन कोज करते हैं. नेचुरल के अंदर क्या आते हैं, नेचुरल के अंदर जैसे यूवी रेडिएशन आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है, विंड स्ट्रोम आ जाएंगे, सॉइल एरोजन, ठीक है, और वॉल्केनिक इरप्शन, ये सारे रीजन है जो नेचुरली पॉल्यूट कर रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट को. और ह्यूमन के अंदर एक और जो पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स का यूज हो रहा है हमारे खेतों के अंदर, तो वो भी एक रीजन है पॉल्यूशन का, जो एयर वाटर एंड सॉइल तीनों तरह का पॉल्यूशन कॉज करता है. देन अब हम बात करते हैं पॉल्यूटेंट्स. हमारे सराउंडिंग में कितने तरह के पॉल्यूटेंट्स हैं, यहाँ पर मैंने डिफरेंट टाइप के पॉल्यूटेंट्स के बारे में बताया है. तो सबसे पहले हमें पता ही है हमारी सराउंडिंग में बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल टाइप के पॉल्यूटेंट्स होते हैं. बायोडिग्रेडेबल जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईजिली डिग्रेड कर सकते हैं, जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के वेस्ट को बोला जाता है वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जैसे डोमेस्टिक सीवेज, पेपर्स, वुड, गार्बेज, एनिमल वेस्ट, ये सब आते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. नॉन बायोडिग्रेडेबल जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिग्रेड नहीं कर सकते, जो एनवायरनमेंट में पोल्यूशन कॉज करते हैं, ग्लास, डीडीटी, पेस्टिसाइड्स, मेटल्स, मेटल वेस्ट, बेंजीन एटसेट्रा, कोई भी तरह का केमिकल जो अदर देन अ लिविंग वेस्ट है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल में आता है. ज़्यादा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी हमारे सराउंडिंग को पोल्यूट कर देता है, ठीक है. तो क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट्स नेक्स्ट कैटेगरी, इसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड आते हैं. ये नेचुरली प्रेजेंट होते हैं हमारे सराउंडिंग में, जरूरत भी है इनकी, बट जब इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है तो दे बिकम पॉल्यूटेंट. ओके, देन क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट्स जो फंगीसाइड्स होते हैं, हर्बिसाइड्स, डीडीटी, जो भी केमिकल्स हम यूज करते हैं अपने क्रॉप्स के लिए, तो ये नेचर में नहीं होते हैं बट ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू ये नेचर में एनवायरनमेंट में आ जाते हैं, तो ये पॉल्यूशन कॉज करते हैं, तो ये पॉल्यूटेंट कैटेगरी में आते हैं. इसके अलावा प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स भी होते हैं, इनको अभी मैं डिटेल में बताऊंगी. तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के पॉल्यूटेंट्स की कैटेगरी है. तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स के बारे में पढ़ेंगे हम. प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे हम. तो सबसे पहले हम प्राइमरी पॉल्यूटेंट से शुरू करते हैं. कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि बहुत ही एक पॉइजनस गैस है, ये कैसे प्रोड्यूस होती है, जब भी हमारे व्हीकल्स चलते हैं उनसे जो स्मोक प्रोड्यूस होता है, सिगरेट स्मोक में भी ये प्रोड्यूस होती है, इसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं. जब ये ज़्यादा हो जाती है तो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन को बाइंड नहीं होने देती, ये खुद हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाती है, जिस वजह से हमारी ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन है वो ब्लॉक हो जाती है, जिससे पर्सन की डेथ भी हो सकती है. ये पढ़ा भी होगा आपने लोअर क्लासेस में, ठीक है. देन सेकेंड हमारे पास इसमें है कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से, बर्निंग ऑफ वुड से प्रोड्यूस होती है. इसकी हाई कंसंट्रेशन क्या कर देती है, टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देगी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमें पता ही है आइस मेल्ट हो रही है, ठीक है, ओशंस में वाटर लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, जिससे फ्लड वगैरह कोस्टल एरियाज़ में सबसे ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं. तो थर्ड हमारे पास है नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी कंबस्शन ऑफ फ्यूल्स की वजह से होता है या व्हीकल्स के स्मॉक से प्रोड्यूस होता है, केमिकल इंडस्ट्रीज़ भी इसको प्रोड्यूस करती हैं. तो ये ज़्यादातर फोटोकेमिकल स्मॉक, जो अभी हम सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स में पढ़ेंगे, फोटोकेमिकल स्मॉक बनाती है. एसिड रेन भी इसकी वजह से होता है, और एम्फाइजिमा, लंग डिसऑर्डर्स जो होती है, ब्रोंकाइटिस, स्वेलिंग ऑफ लंग्स, यानी कि लंग्स जुड़ी हुई हर चीज, जो भी रेस्पिरेशन से जुड़ी हुई चीज है, वो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की अधिकता से होती है, ठीक है. तो सल्फर डाइऑक्साइड नेक्स्ट, ये कोयल बर्निंग से, स्मेल्टर्स, ऑयल रिफाइनरीज, जहां पर भी है वहां सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, और जहां सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा है वो बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटेड एरिया होगा, और वहां पर लाइकन्स एंड मोसिस ग्रो नहीं करते. आपने सुना भी होगा लाइकन्स आर द वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, जहां पॉल्यूशन होता है वो वहां ये ग्रो नहीं करते. और जहां पर सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा होगी वहां प्लांट के अंदर क्लोरोफिल डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, ग्रीन लीव्स नहीं होंगी, और स्टोन लिप्रोसिस, स्टोन लिप्रोसिस का मतलब होता है जो भी बिल्डिंग्स वगैरह है, ठीक है, वो डैमेज हो जाएगी ड्यू टू एसिड रेन.
ठीक है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ मिक्स हो जाती है तो एसिड बना देती है, और वो एसिड रेन जब बिल्डिंग्स पे, वाटर में, कहीं पर भी गिरेगी तो वो डैमेज कोज करेगी। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में जैसे मीथेन, इथाइलिन वगैरह आते हैं, जो व्हीकल्स के चलने से, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। पैडी फील्ड्स भी, पैडी फील्ड्स यानी कि जो राइस के फील्ड है, वो भी सबसे ज़्यादा, इवन 40% ऑफ मीथेन कंट्रीब्यूशन इन्हीं का ही है। तो हाइड्रोकार्बन्स लंग कैंसर कोज कर देते हैं, क्योंकि ये कार्सिनोजेनिक होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं। और प्लांट्स के अंदर एजिंग ला देते हैं, सेनेसेंस एंड एब्सीशन कोज करते हैं, लाइक फॉलिंग ऑफ लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, प्रीमेच्योर फॉलिंग हो जाती है, जिसको हम कहते हैं एब्सीशन। तो ये सारे हमारे पास यहाँ पर हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के नेम, इनके सोर्सेज एंड इफेक्ट्स। ठीक है, अब हम करते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स में फोटोकेमिकल स्मोक, जो हमने ऊपर पढ़ा था इसके बारे में, फोटोकेमिकल स्मोक बनाने में कौन हेल्प करता है, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो होते हैं, यानी कि प्राइमरी पोल्यूटेंट्स का रोल होता है सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बनाने के लिए। तो फोटोकेमिकल स्मोक जो है यहाँ पर कैसे बनते हैं, ये बनते हैं PAN मतलब परोक्सीएसाइल नाइट्रेट, ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये जब लाइट की प्रेजेंस में जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो फोटोकेमिकल स्मोक बन जाता है, या फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स भी बोलते हैं इनको। इनके क्या इफेक्ट्स होते हैं, ये हमारी आईज़ में इरिटेशन कोज कर देते हैं। देखो, लंग्स, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स तो हर किसी के अंदर आएगा, क्योंकि एयर के अंदर ये चीज़ें जब मिल जाती हैं तो एयर पॉल्यूट हो जाती है, और पॉल्यूटेड एयर जब हम लेंगे तो इससे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होंगे ही होंगे। प्लांट के अंदर फोटोलिसिस ऑफ वाटर को रोक देंगे, फोटोलिसिस ऑफ वाटर बहुत ज़रूरी है डार्क रिएक्शन में टू फॉर्म द फूड। तो इनहिबिट क्लोरोफिल फॉर्मेशन, क्लोरोफिल फॉर्मेशन भी नहीं होने देंगे ये। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सल्फर स्मोक एंड लंडन स्मोक। स्मोक पहले तो हमें पता होना चाहिए स्मोक क्या होता है। स्मोक होता है जब कोई भी डस्ट और स्मोक मिल जाता है हमारे वाटर वेपर्स के साथ, तो और कुछ गैसेस के साथ, तो ये स्मोक बन जाता है, यानी कि पोल्यूटेड पार्टिकल बन गया अभी। तो ये बनता है जैसे कोल, स्मोक, फॉग, सल्फर ऑक्साइड, लो टेम्परेचर, क्योंकि सर्दियों में अब आजकल हमें फॉग नहीं, स्मोक ज़्यादा दिखता है, जिसकी इन्हेलेशन से लंदन में 1952 में 4000 लोग मारे गए थे, इसलिए इसको लंदन स्मोक भी बोला जाता है। नेक्स्ट है एसिड रेन। एसिड रेन आपको पता है, जो भी स्मोक प्रोड्यूस होता है, चाहे वो कंबस्शन से है, चाहे वो इंडस्ट्री से है, चाहे वो व्हीकल से है, तो उस दौरान जो गैसेस प्रोड्यूस होती है, स्पेशली सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जब वाटर के साथ मिलती है तो ये क्या बना देती है, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। इसी तरह से नाइट्रोजन ऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर के नाइट्रिक एसिड बना देती है, और जब ये नीचे गिरते हैं तो इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन गिरते हैं, जिस वजह से सॉइल और वाटर की एसिडिटी बढ़ जाती है। सॉइल और वाटर में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो एनिमल है, सबको डैमेज हो जाता है, और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को भी एसिड रेन बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। ये हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हैं। इन्हीं के बारे में हम एयर पोल्यूशन में भी पढ़ेंगे, तो ये भी मैंने बता ही दिया आपको। तो डिफरेंट टाइप के पोल्यूटेंट्स हमने पढ़ लिए हैं। हमारी गवर्नमेंट जो है वो भी उसने भी एनवायरमेंट पोल्यूशन को कम करने के लिए एक लॉ पास किया था, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। इसका पर्पस क्या था, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द एनवायरमेंट। जो पोल्यूशन की वजह से हमारे एनवायरमेंट की क्वालिटी, यानी कि एयर, वाटर, सॉइल की जो क्वालिटी डिक्रीज हो रही थी, डिग्रेड हो रही थी, उसको बचाने के लिए, उसको, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये एक्ट 1986 में पास किया गया था। तो अब हम पोल्यूशन में सबसे पहले शुरू करते हैं एयर पोल्यूशन से। एयर पोल्यूशन डेफिनेशन सेम रहेगी जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में किया है, कि जो अनडिजायरेबल चेंज होता है एयर की क्वालिटी में, उसको हम बोलते हैं एयर पोल्यूशन। ठीक है, जिससे एयर की क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। बहुत सारे मैंने पोल्यूटेंट्स भी आपको बताए हैं, उनमें से आपको पता होगा जो भी इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स है, DDT है, या कोई भी कंबस्शन की वजह से या व्हीकल्स की वजह से जो स्मोक प्रोड्यूस होता है, डिफोरेस्टेशन की वजह से जो कंसंट्रेशन इन बैलेंस हुई है गैसेस की, ये सब क्या करते हैं, एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं। एयर पोल्यूशन एक और मैटर की वजह से होता है, जिसको हम बोलते हैं पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है, ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं, ये बाय इंडस्ट्रीज एंड ऑटोमोबाइल्स, ठीक
के थ्रू ही प्रोड्यूस होते हैं, बहुत सारी जैसे प्रोसेसेस होती है ग्राइंडिंग, मिक्सिंग, क्रशिंग, इस दौरान बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे एयर के अंदर आ जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं पार्टिकुलेट मैटर। और कुछ जैसे ये पोलन होते हैं, स्पोर्स हो गए, सिस्ट हो गए, ये भी पार्टिकुलेट मैटर फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। पार्टिकुलेट मैटर लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं एंड सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं, जैसे कि एरोसोल्स, फ्यूम्स, स्मोक, ये सारे आते हैं हमारे पार्टिकुलेट मैटर के अंदर। ठीक है, तो इनका जो साइज है अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इनका जो साइज है पार्टिकुलेट साइज इज 2.5 माइक्रोमीटर और डायमीटर लेस देन 2.5 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज ऑफ ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, जो भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, अस्थमा है, लंग कैंसर है, एम्फाइसिमा है, ये सारी किस वजह से आ रही है, जब सराउंडिंग में पार्टिकुलेट मैटर की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है और जो बाय एयर इनहेल कर लिए जाते हैं, जिससे ह्यूमन की हेल्थ डैमेज हो रही है डे बाय डे। तो ये होता है पार्टिकुलेट मैटर, ये भी हमारे एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं। तो हमने रीजंस हमने देख लिए हैं, अब हम बात करते हैं इसके कंट्रोल की, इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास बहुत सारी डिवाइसेस हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर है, जैसे स्क्रबर है, कैटालिटिक कन्वर्टर। ठीक है, और आपने सीएनजी गैस के बारे में तो सुना ही होगा, इट इज़ अ पॉल्यूशन फ्री गैस। ठीक है, तो ये हम सारे वन बाय वन डिटेल में करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर। तो अभी जो इतना सारा एयर पॉल्यूटेंट है, उनको हम दूर करने के, उनको कंट्रोल करने के तरीकों पर बात करेंगे। तो सबसे पहला जो कंट्रोलर है पार्टिकुलेट मैटर को कंट्रोल करने का, वो है इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर। ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो 99% ऑफ पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव करने में सक्सेसफुल होती है। ठीक है, और पार्टिकुलेट मैटर के अलावा जो दूसरे पॉल्यूटेंट है, एयर पॉल्यूटेंट, उनको हम सिंपली बाय ग्रोइंग मैनी मोर एंड मोर प्लांट्स और बाय यूजिंग गुड क्वालिटी फ्यूल्स लाइक सल्फर और लेड फ्री फ्यूल्स को हम यूज़ करके और कैटालिटिक कन्वर्टर्स को हम यूज़ करके गाड़ियों में रिड्यूस कर सकते हैं। पार्टिकुलेट मैटर के लिए स्पेशली डिज़ाइन डिवाइसेस है, जैसे इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर हो गया एंड स्क्रबर हो गया, इनको हम पार्टिकुलेट मैटर के लिए यूज़ करेंगे। तो इसमें क्या होता है हमारे पास, इसमें बहुत सारी ये कलेक्टिंग प्लेट होती है जो कलेक्ट करती है डस्ट पार्टिकल को। ये कलेक्टिंग प्लेट ग्राउंड के साथ अटैच होती है। जो थर्मल पावर प्लांट है उसका जो एग्जॉस्ट है, वो जब वहाँ से जब भी डर्टी एयर निकलेगी, तो ये डर्टी एयर क्या करेगी, ये डस्ट पार्टिकल है, डर्टी एयर के डस्ट पार्टिकल है। इसके अंदर इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रिक वायर भी होती है जो सप्लाइड होती है हाई करंट के साथ, जो प्रोड्यूस करती है कोरोना आयन, इट विल रिलीज द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, और दीज इलेक्ट्रॉन्स देन अटैच विद द डस्ट पार्टिकल्स। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स डस्ट पार्टिकल के साथ अटैच हो जाएंगे, डस्ट पार्टिकल्स को चार्ज कर देंगे, नेगेटिवली चार्ज। और उसके चार्ज होने के बाद हमें देखना है यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ एयर है, इट शुड बी लो बिटवीन द प्लेट्स, ताकि जो ये डस्ट पार्टिकल है, चार्ज डस्ट पार्टिकल है, ये कलेक्टिंग प्लेट पर आराम से गिर सके। और जब ये डस्ट पार्टिकल्स यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, तो जो बाहर एयर रिलीज होगी वो बिल्कुल ही क्लीन एयर होगी। तो यहाँ पर हमने कोई भी चीज़ बाहर एनवायरनमेंट में पोल्यूटेड एयर डालने की बजाय हमने क्या किया, उस पोल्यूटेड एयर में से जो पोल्यूटेंट थे यानी कि डस्ट पार्टिकल थे, उनको यहीं पर कलेक्ट कर लिया और क्लीन एयर को बाहर छोड़ दिया। तो इस तरह से पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव कर सकता है इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर। सेकेंड मैथड जो हमारे पास है यहाँ पर, वो है स्क्रबर। ठीक है, ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैसेस और डस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। बताया वेट और ड्राई दो तरह के होते हैं। स्क्रबर में जो एग्जॉस्ट होता है, इट इज़ पास्ड थ्रू द लाइम और वाटर। नेक्स्ट हमारे पास है कैटालिटिक कन्वर्टर, नाम से ही है कैटालिटिक। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारे व्हीकल्स होते हैं इनके अंदर
कैटालिस्ट फिट किए जाते हैं. ये कैटालिस्ट बने होते हैं बहुत ही एक्सपेंसिव मेटल से, एक्सपेंसिव मेटल्स लाइक प्लैटिनम, पैलेडियम, रोडियम. ये एक्सपेंसिव मेटल्स के बने होते हैं. इनका काम क्या होता है, ये कैटालिस्ट कन्वर्ट करते हैं किसको, जो भी व्हीकल से निकल रहा एग्जॉस्ट होता है उसके अंदर जो प्रेजेंट होती है, उसके अंदर जो भी अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको ये कन्वर्ट कर देता है किसमें, CO2 एंड H2O में. इसके अलावा जो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड होते हैं ये उसको कन्वर्ट कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन में. जिन भी व्हीकल्स के अंदर कैटालिस्ट कन्वर्टर कैटालिटिक कन्वर्टर होते हैं वो व्हीकल्स लेड फ्री पेट्रोल से चलने चाहिए. अगर इसके अंदर तो ये जो लेड होता है, लेड इन कैटालिस्ट को क्या कर देता है, इनएक्टिवेट कर देता है. तो हमें हमेशा लेड फ्री फ्यूल का ही यूज़ करना होगा ऐसे व्हीकल्स में जहाँ पर कैटालिटिक कन्वर्टर लगे हुए हैं. कैटालिटिक कन्वर्टर के अलावा CNG गैस को भी यूज़ किया जा रहा है. आजकल बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है CNG व्हीकल्स की परचेजिंग, क्योंकि CNG पोल्यूशन फ्री है, चीप है और कोई भी चोर इसको चुरा नहीं सकता है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एंड बहुत ही एफिशिएंट है. कोई भी लास्ट में अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स नहीं लेफ्ट होते. तो दिल्ली के अंदर तो ज़्यादातर बसेस और जो ऑटोज़ हैं और जितने भी व्हीकल्स हैं वो CNG में कन्वर्ट कर दिए गए हैं. पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए हमारी इंडिया गवर्नमेंट ने द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 में बनाया था, बट 1987 में इसको दोबारा से रिवाइज किया गया. इसमें नॉइज एज अ एयर पॉल्यूटेंट ऐड किया गया, ठीक है. 1981 तक तो खाली एयर के लिए था, 1987 में ये नॉइज भी इसमें ऐड कर दिया गया एज अ एयर पॉल्यूटेंट. 150 डेसिबल से ज़्यादा साउंड जो होती है ये नॉइज पॉल्यूशन कॉज करती है, और ये इवन हमारे ईयर ड्रम को भी ख़राब कर सकती हैं. जो एक जेट प्लेन होता है, रॉकेट होता है, इनकी साउंड भी बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होती है. जो दिवाली पर इतने भयंकर वाले क्रैकर्स छोड़े जाते हैं, और शादियों में जो डीजे लगता है, लाउड स्पीकर्स जो होते हैं, ये भी एक तरह का नॉइज़ पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं. तो ये इसमें नॉइज़ पॉल्यूशन हो गया, इनको हम रिड्यूज़ कर सकते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन को भी, अगर हम जो इनके कॉजेज़ हैं उन पर ध्यान दें, उनको रोक दें, तो हम नॉइज़ पॉल्यूशन को भी रोक सकते हैं.